हिमाचल प्रदेश की कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पंडोह के साथ लगती बेला पंचायत की उभरती हुई कबड्डी खिलाड़ी भावना ठाकुर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मानित किया है। भावना को ये सम्मान सीएम ने अपने जोगिंदर नगर दौरे के दौरान आयोजित एक समारोह में दिया। कबड्डी एसोसिएशन के सचिव नेत्र सिंह ठाकुर और कबड्डी जिला संघ के प्रधान टेकचंद शर्मा ने जिला कबड्डी संघ की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जिलाधीश मंडी अपूर्व देवगन का आभार जताया है। इसके साथ ही भावना ठाकुर को इसके लिए बधाई भी दी है। नेत्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भावना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कबड्डी में गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए टीम का हिस्सा बनी थी। भावना ठाकुर लगातार 6 बार इंडिया कैंप भी लगा चुकी हैं। इस तरह की प्रोत्साहन राशि मिलने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। मंडी जिले से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो देश प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं नेत्र सिंह ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी जिला कबड्डी संघ मंडी, आपके सामने कबड्डी के बारे में एक विशेष बातचीत करने जा रहा हूँ। जैसे पिछले कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू जी ने हमारे जिला मंडी की जो कबड्डी खिलाड़ी भावना ठाकुर को सम्मानित किया, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से 10,000 की राशि भेंट की। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी का व जिलाधीश कबड्डी जिलाधीश मंडी महोदय का और एसोसिएशन की तरफ से हम सबका इनका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने जो बच्चों को उभारने के लिए जो प्रोत्साहित करने के लिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम इनके बड़े बहुत बहुत आभारी है। और हाल ही में जो लड़की भावना ठाकुर, इसने मैं पहले भी बता चुका था कि इसने 5-6 बार कंटिन्यू भारतीय कैंप कबड्डी का इसने ज्वाइन किया है, अटेंड किया है और लगातार हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक भावना ठाकुर के सिवा हमारे जो पिछले साल जो नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट हुआ था गर्ल्स का हरियाणा पंजाब में, उसमें भी इन्होंने रेलवे को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें हमारे सुंदरनगर से शिवानी ठाकुर थे। और हमारे जिला मंडी से बड़े सौभाग्य की बात है कि आने वाले समय में हमारे मंडी से बहुत से लड़के व लड़कियाँ, जिला स्तर की लड़कियाँ जो हमारे नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उभरते हुए खिलाड़ी है। अगर ऐसे महोदय से निवेदन है कि ऐसे प्रोत्साहित बच्चों को मिलती रहे तो बच्चों का जो मनोबल और बढ़ेगा और काफ़ी लड़के इसमें आगे मेहनत करेंगे, क्योंकि एक स्पोर्ट्स का ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर एक चीज़ों से दूर रह के बच्चे अपनी जो भी जीवन है इसको बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे जूनियर स्तर में ले लो, सब जूनियर में स्तर ले लो और जो दूसरी गेमों में भी ले लो, चाहे आप हाल ही में जो हमारे एक लड़की एथलेटिक्स में भी लड़की जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल प्राप्त किया है, ऐसे बहुत से खिलाड़ी है। एक स्थानीय जो मैं कुसुम ठाकुर और भावना ठाकुर, जो दोनों लड़कियाँ एक ही गाँव से बिलोंग करती है, जिला मंडी की एक दूर दराज क्षेत्र है हमारा छपरान ग्राम पंचायत छपरान बैला जिला मंडी का एक क्षेत्र है, वहाँ से दोनों लड़कियाँ बिलोंग करती है। लेकिन इसके सिवा और उनके क्षेत्र से और कई भी लड़के लड़कियाँ अभी निकल रहे हैं। तो मेरा माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साह इनको मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करते रहे। इसके लिए हम अपनी तरफ से जिला कबड्डी संघ की मंडी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय कबड्डी, जय हिमाचल। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट